सब तो पहला गुरु महाराज की रचना सांझी करिए, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत ही मतभागी गल दे विच असीं सारे इकट्ठे होए हां कि साडा एक साथी जिहड़ा हैगा कमेटी मैंबर उह साथों चला गया। सो उहदे विच उह जिहड़ियां मंगां सीगियां कमेटी नाल डिस्कस होईयां, उपर प्रशासन नाल भी होईयां। सो सब तो पहला जिहड़ी बच्चे की पढ़ाई आ उह 9th क्लास च पढ़दा, प्लस टू तक जो भी हैगा उहदा पढ़ाई का जिहड़ा हैगा वह बिल्कुल फ्री आ। उस तो बाद जिहड़ी उस पिंड दे विच उहदी याद वास जिहड़ा कि साडे च हमेशा जिउंदा रहे, उहदे वास्ते एक लाइब्रेरी वास्ते जो भी 4 लाख रुपए का जिहड़ा हैगा ग्रांट वह दित्ती है। और इस तो अलग जिहड़ी अमाउंट उस परिवार की हैल्प वास्ते आ वह 5 लाख रुपया डीसी साहब वालों जिहड़ा हैगा चैक जिहड़ा कल नूं दित्ता जाऊगा, और बाकी जिहड़ा 5 लाख रुपया वह MLA साहब वालों जिहड़ा हैगा कैश जिहड़ा 3 लाख उन्हां वालों ते 2 लाख रुपया होर 5 लाख रुपया कैश जिहड़ा हैगा वह टाइम टू टाइम जो डिस्कस होया वह दिता जाऊगा कमेटी सामने। सो मेरी बेनती है कि आपां जो मुहिम विढ़ी आ उहनूं आपां वधिया तरीके नाल निपरे चाड़ीए, क्योंकि अपने आउण वाले टाइम दे विच इन्हां चीज़ां दे असर पैना। सो आपां जे कमेटियां बनाईआं उहनूं इन्ने क वधिया तरीके नाल अगे निपरे चाड़ीए कि आउण वाले टाइम दे विच साडी जनरेशन कहे कि असीं मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के प्रशासन दे नाल सरकार दे नाल असीं इह कम कीता सी ते असीं कामयाब होए सी। असीं पंजाबी आ, किसी भी चैलेंज नूं कबूल करदे आ ते सिरे लाउणे आ। सो मैं तुहाडे सारिआं मूहरे बेनती करदा कि आपां रल मिल के इस नशे की जड़ नूं पटना। सो इन्ने शब्दां नाल ही मैं इजाजत चाहुंदा, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वीर जसवीर सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाकी बई जिन्नियां भी जथेबंदियां जिन्नियां भी कमेटियां वीर दे इंसाफ लई इत्थे पहुंचियां, प्रशासन का भी सारिआं का भी दिल दीआं गहराइआं तों धन्नवाद। बाकी आए फूल साहब सरजीत जी प्रधान जी आ जाओ, बाकी जिन्हें भी तुसीं पहुंचे हो सुहिरद लोक बहुत बहुत धन्नवाद तुहाडा, वीडियो का भी धन्नवाद। आओ जी, कल तो परसों की रात तो मोर्चे च डटे वह पीड़ित परिवार को इंसाफ लैण की खातर सारे मेरे सत्कारयोग भरावो पहला फतेह अर्ज करो, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं कल सारा दिन शाम तक रात तक मोर्चे च ही रहा, अज मेरा चंडीगढ़ मीटिंग से 16 किसान जथेबंदियों की, उत्थे मैं आ रहा हुणे उतरिया सीगा गड्डी तो। चलो अज अपने प्रशासन ने अनाउंसमेंट की है अपनी कमेटी नाल जिहड़ी उहदी सहमति दे नाल, असीं तां कल भी कहा सीगा अपने DSP साहब खड़े है भी तुसीं कमेटी दी साडी भावें मैं पंजाब दा चेयरमैन बीके जो क्रांतिकारी दा असीं जथेबंदी सपोर्ट कर रही है, कमेटी दी तसल्ली करा दिओ। जो भी कमेटी दी तसल्ली होगी उहने कहता जैसा कहता साडे भी नाल जैसा है। सो इस करके जो भी कमेटी दे प्रशासन दे नाल सहमति दे आधार ते फैसला होया उहदी अनाउंसमेंट हुई है ते एक बारी फिर आपां नूं सारिआं नूं बनदा परचा भी उहनूं लागू करके उह ते उहदी गरंटी करन दी खातर, क्योंकि कई बारी वेख्या असीं बहुत अंदोलन दे विच है जी, हां इह असीं वेख्या बहुत तों पहलां समझौते होए आ प्रशासन नाल अंदोलनां दे विच, तां उह गल्लां जिन्ना चिर तां प्रेशर हुंदा इहनां ते उन्ना चिर तां जैस हुंदी आ, उदों बाद उह टोभे मिंगण पै जांदी आ, गल मिट्टी घट्टे रुल जांदी आ। ਉਹ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਫੇਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਦੁਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਨਗਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਨਾ ਛੱਡੀਆਂ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਾਹਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗੱਲ ਨਾ ਪਵੇ ਗੱਲ, ਇਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਬਈ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਗਾ।